सो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले अभिषेक कि फाइनली आपका थैंक फेस यू टू क्लियर मैम, हो गया। जी तो थैंक यू मेडिकल सो मच कब ही है अब मैम। आपका? मेरा मेडिकल कब है अब नौ आपका? फेब को, 9 फेब। ओके 9 फेब, फाइन। तो यस मैम। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप शेयर करिए हमारे जो जो ऑडियंस है वो भी देखे, उनको भी एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि जब आप वहां पे गए तो वहां पे, जैसे हमने इस बार बहुत बच्चों से सुना है कि फिजिकल आउट भी बच्चे हो रहे हैं, जीडी आउट तक भी बच्चे हो रहे हैं काफी, यस मैम, है ना, तो ओ क्या रीजन रहा है? फिजिकल में तो ज़्यादा नहीं आउट हुए मेरे ग्रुप में। मेरा ग्रुप में 107 ओके का बना था, तो उसमें ओके दो दो रनिंग में मतलब कि वो रुक गए, नहीं तो आउट नहीं होते। वहाँ पर जो ओके, ऑफिसर रुक थे गए थे वो, बेसिकली। यस मैम यस मैम, वो बोले थे पहले ही जब वहाँ पर इकट्ठा किए, तो बोले कि कोई भी बाहर नहीं होगा वहाँ पर, अगर मतलब दौड़ मतलब वो दौड़े बस हो गया, रुके ना। उसके बाद मतलब दे आर फिर रेडी टू बाकी सारे टेक, लोग हो गए। आप 100% करें। जी यस मैम, तो फिर उसमें से 107 में से दो लोग रुक गए थे जिसका नहीं हो पाया, नहीं तो बाकी का दौड़ में सबका हो गया था। फिर उसके बाद ओके, हमको उसके बाद उसमें ले फिर गए ग्राउंड, ग्राउंड में गए। फिर वहाँ पर पुशअप सिटअप स्क्वाट्स हुआ। वो वहाँ पर एक सर थे, वो मतलब कि वो पूरा डेमो दिखाए, पूरा डेमो दिखाए कि ऐसे ऐसे ओके, करना काफी है। फिर उसके बाद फिर हम कोऑपरेटिव थे मतलब लोग, आप ऐसे सर्स, यस मैम, मतलब पूरा सपोर्टिव टीम थी, मतलब बहुत कोई सपोर्टिव ऐसा थे। नहीं। एग्जैक्टली। यस मैम, तो फिर हम लोगों उसके ने बाद आपका उसमें टॉपिक क्या कुछ, था? मेरा टॉपिक था सर मैम प्रमोटिंग साइकिलिंग बाइसाइकिलिंग एज ये ओके ओके, ऑटोमोबाइल। एक बार फिर से टॉपिक रिपीट करें बच्चा। प्रमोटिंग बाइसाइकिलिंग एज ऑटोमोबाइल। प्रमोटिंग बाइसाइकिल एज ऑटोमोबाइल, राइट? यस मैम, ये काफी इनोवेटिव टॉपिक है। और तो मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस टॉपिक में बोलने में? उसके अलावा जीडी में कैसा रिस्पांस रहा आपका? कोचिंग करने से आपको क्या एक हेल्प मिला इस जीडी के दौरान? आप सब शेयर करिए अपना पॉइंट्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो सर गौरव सर ने पहले ही बाइसाइकिलिंग पर बहुत ढेर सारा मतलब कि वो करवा दिया था इतना, कि मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बोलने में। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे बगल एक लड़का था, तो उसने केवल अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर वो बोल नहीं पाया, वो नरेशन बिल्कुल नहीं बोल पाया। फिर लास्ट में उसको अच्छा। सर ने मौका दिया फिर से, तो एक दो सेंटेंस बोल दिया, तो उसका भी हो गया अच्छा, उसका भी हो गया था। था। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल जीडी आउट कितने हुए हैं आपके ग्रुप में? हाँ, जीडी मेरे ग्रुप में 2-3 आउट हुए थे बस। जीडी 2-3 आउट हुए थे। और कोई मेजर कल्चर क्लासेस का आपको वहां पे आपके ग्रुप में? नहीं मैम, मेजर कलसी के तो नहीं मिले, लेकिन इलाहाबाद के कई सारे थे। हाँ अलाहाबाद के थे? ओके, मतलब यस बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि एमकेसी से कानपुर भी गया था और सिकंदराबाद वगैरह भी गया हुआ है ना, तो मतलब असम में यस सिर्फ आपका ही गया था। चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा कोचिंग से और क्या हेल्प मिला आपको, जिसमें आपको लगा कि हाँ, अगर शायद अगर हम कोचिंग में ना वो करते तो हम जीडी में कहीं ना कहीं फेल होते, या फिजिकल में कहीं ना कहीं हम ड्रॉबैक होता वहां पे, ऐसा क्या मैम, एक्सपीरियंस आपको लगा? वहाँ पर जो ऑफिसर के सामने जो मतलब बैठने का डर होता है, वो तो एकदम बिल्कुल था ही हेजिटेशन? नहीं। यस मैम, जी वो नहीं था, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो गई थी वहाँ से काफ़ी। हाँ, बहुत जरूरी है, नो डाउट। यस मैम, तो मेरा तो मतलब कि ग्रुप से जब बाहर आए वहाँ से, तो सब लोगों ने बोला कि तुम्हारा हो जाएगा पक्का है, मतलब ये सब पूछ रहे थे कहाँ से श्योर पढ़े। शॉट यस था। मैम, तो मतलब कि ये बोल रहे थे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हो जाएगा पक्का है। चलिए यस बहुत मैम, बढ़िया। मतलब पहले से यही होता है कि हम लोग की यही कोशिश रहती है कि बच्चे को इतना टैलेंटेड बना दें कि कोई भी टॉपिक दिया जाए, एटलीस्ट ही मस्ट बी एबल टू स्पीक आउट हिमसेल्फ, वो बोल पाए अपने आप, राइट? तो बहुत अच्छी चीज है। मेडिकल अब आपका है, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड होंगे और मेडिकल भी हो ही जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एमकेएच में अपना प्री मेडिकल करवाया ही होगा अभिषेक, राइट? यस मैम, मैंने एमकेसी में वो मेडिकल करवाया था, वहाँ ओके, पर हाँ, तो मतलब फिर पूरा प्रॉब्लम चेकअप एज हुआ। सच नहीं आएगी। जी, यस मैम, चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक। सो कांग्रेचुलेशंस, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि फाइनली अब आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाए, है ना, तो वो एक खुशी यस एक अलग मैम, ही होती है।
ग्रीन कार्ड। और एक चीज, एक क्वेश्चन और, जैसे इस बार असेसर्स ने बहुत बार डिजिटल भी कई जगह यूज किया है कि वो एक वॉइस नोट चला दे रहे हैं डिजिटली और तब नरेट कर रहे हैं रादर देन सेल्फ नरेटिंग द कंटेंट। तो यस आप मैम, इसमें ऐसा ही कैसा हुआ था, था? ऐसा ही था। दो ऐसे ही स्पीकर था। थे वो, ओके यस मैम, वो कंप्यूटर से अपने उसको चालू कर दिए थे, तो जी उसमें सुनना था। फिर उसके बाद हाँ पाँच हाँ छः मिनट लगभग वो था, तो उसके बाद उसी टाइम वो रफ शीट थी, उस पर लिखना था। फिर उसके बाद वो रफ शीट के ओके बाद कितना फिर फेयर में लिखना था, उसके बाद टाइम तब दिया गया वो था फेयर बच्चा? शीट जमा। मैम वो 10 मिनट बोले बोले थे, मतलब 10 मिनट मिला था पूरा प्रॉपर। ओके चलो दैट्स ग्रेट। मतलब एक ओवरऑल प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहा है आपका, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी नहीं पड़ी ओवरऑल, एंड दैट्स अ ग्रेट नहीं थिंग। मैम, आप लर्न इट थे तो आपने ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि यू वर गुड एट इट। वेरी गुड अभिषेक। यस तो मैम, चलिए मिलते हैं फाइनली ग्रीन कार्ड के साथ आपके, है ना? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस। थैंक यू बच्चा।